हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मटर पनीर का सब्ज़ी तो आप लोग बहुत खाए होंगे, लेकिन आलू पनीर की सब्ज़ी शायद ही आप लोग कभी खाए होंगे। एक बार बना करके ज़रूर खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है पनीर, छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट ली हूँ। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ 3 बड़े प्याज, इसको बारीक काट ली हूँ, और 2 टमाटर, इसको भी मैं बारीक काट ली हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ आलू। आलू को मैं अच्छे से छील करके और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी, गोलाई में, इसको गोलाई आकार में मैं काटूँगी। और अच्छे से पूरा काट करके आप लोगों से दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा से मैं पूरा काट ली हूँ, ज़्यादा बारीक भी नहीं काटी हूँ मैं। यहाँ पे मैं कढ़ाई में रख दी हूँ तेल, तेल भी मेरा गर्म हो चुका है। और उसके बाद मैं डाल दूँगी पनीर, और पनीर को अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। पनीर फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हल्का सुनहरा हो जाए उसके बाद मैं इसको निकाल दूँगी। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और देखिए कितना अच्छा से फ्राई हो चुका है। और देखिए इसी तेल में मैं डाल दूँगी आलू, जो आलू को मैं गोल गोल में कट करके रखी थी वही। और इसमें डाल दूँगी मैं हल्का सा नमक, और इसको ढक करके अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। और देखिए कितना अच्छा से एकदम फ्राई हो चुका है, और ये भी एकदम पनीर की तरह ही सॉफ्ट हुआ है। और इसी तेल में, देखिए इसमें भी तेल बच गया है, इसी तेल में मैं डाल दूंगी जीरा। और जीरा जब मेरा चटकने लगेगा उसके बाद मैं डाल दूंगी साबुत लाल मिर्च और 1 तई पत्ता, 3 लाल मिर्च है। इसके बाद मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे जो मैं प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली थी वही डालूंगी। हल्का नमक डाल करके इसको अच्छे से मैं गला लूँगी। यहाँ पे मैं मसाला ले रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा मिर्च पाउडर और किचन मसाला पाउडर, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये डाल दूँगी। और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा पानी, और इसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। जब तक मसाला और तेल अलग ना हो जाए तब तक मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। सब्ज़ी बनाने का ये ट्रिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मसाला अच्छा से नहीं भुनाता है तो सब्ज़ी परफेक्ट नहीं बनता है। देखिए कितना अच्छा से मैं मसाला भुना चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा बाकी है। थोड़ा इसको और ढक करके और अच्छे से मैं भून लूँगी। और देखिए कितना अच्छा से इसका कलर आया है, और प्याज भी एकदम पूरा गल चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी जो छोटे छोटे टमाटर काट करके रखी थी ना, वही डाल दूंगी। और इसको भी मैं थोड़ा देर के लिए, क्योंकि टमाटर अपने आप ही थोड़ा पानी छोड़ देगा, तो इसको भी अच्छे से मैं फ्राई करूंगी और टमाटर भी गल जाएगा। और इस स्टेज पे मैं डालूंगी जो मैं आलू फ्राई करके रखी थी वही। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसमें जो मैं पनीर फ्राई करके रखी थी वो मैं पनीर भी डाल दूंगी। और अच्छे से चला लूंगी, और इसमें मैं डाल दूंगी नमक और पानी। नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि आलू में भी नमक मैं डाली थी और प्याज में भी, तो इसी के अनुसार मैं नमक डाल दी हूँ कि सब मिला करके एकदम बराबर हो। और इसको मैं जिस तरह से आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उस तरह से आप रख सकते हैं। और इसको मैं ढक करके और अच्छे से 2-3 उबाल आने तक मैं इसको पका लूँगी। और देखिए एकदम आलू कितना अच्छा से पूरा परफेक्ट गल चुका है। तो इसी तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आलू पनीर का सब्ज़ी कैसा बना है।
इस तरह से बनाएंगे तो बहुत बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आलू भी एकदम सॉफ्ट और पनीर भी तो कोई बात ही नहीं है।